हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। मैं अनुभव वर्मा। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, ऑल्टर करते हैं, शट करते हैं, बैकअप करते हैं और रीस्टोर करते हैं। ठीक है, अगर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ ली होंगी और वीडियो देख लिए होंगे। अगर किसी को इन किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे फ़ोन नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर आप लोग कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और फर्दर इंक्वायरी के लिए आप लोग नीचे टेलीग्राम का भी चैनल हमारा लिंक दिया है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, नया टॉपिक कि टैली में ग्रुप और लेजर क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया, ग्रुप और लेजर टैली का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बिना टैली में कोई भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं ग्रुप क्या होता है। ग्रुप होता है कलेक्शन, होता है कलेक्शन ऑफ किसका होता है, लेजर का। ठीक है, जैसे कि लेजर होते हैं, लेजर हम लोग कई प्रकार के बना सकते हैं, उसको हम लोग अलग अलग ग्रुप में डालते हैं। ठीक है, जैसा कि टैली में ऑलरेडी पहले से बने होते हैं ग्रुप, जो कि टोटल होते हैं 28। ठीक है, 28 ग्रुप बने होते हैं, जिसमें से आपके 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं, 13 सब ग्रुप होते हैं। ठीक है, हमें इन ग्रुपों में बहुत कम ही ऑल्टरेशन करना पड़ता है। ठीक है, आइए हम लोग टैली खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ग्रुप और लेजर काम करते हैं। ठीक है, जैसा कि टैली का इंटरफेस ओपन हो गया है, तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टैली के इंटरफेस ओपन होने के बाद हम लोग वर्क इन एजुकेशनल मोड में काम करते हैं। जैसा कि पिछली आप क्लासेस में आप लोगों को बताया गया था, वर्क इन एजुकेशनल मोड ओपन करने के बाद जैसा कि हमारी एक कंपनी खुली है बजट। ठीक है, तो हमें इस पर काम नहीं करना। हमने पिछले क्लास में एक कंपनी बनाई थी, वो थी ABC प्राइवेट लिमिटेड, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऑल्ट प्लस F3 करेंगे, उसके बाद सेलेक्ट कंपनी में जाके इंटर करेंगे। और देखिए, पहली ही कंपनी हमारी क्या है, ABC प्राइवेट लिमिटेड, उस पर इंटर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ABC प्राइवेट लिमिटेड बोल्ड में लिखा है, पर उसके नीचे ABC प्राइवेट लिमिटेड और बजट दोनों लिखा है। ठीक है, तो हम लोग आएंगे शट कंपनी में, इंटर करेंगे और बजट को हम लोग शट कर देंगे। ठीक है, शट हो गई कंपनी एक, तो अब हमारी कौन सी कंपनी ओपन है, ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो हमें क्या सीखना है दोस्तों, कि ग्रुप और लेजर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखें, जैसे कि अब हम लोग कहाँ है, कंपनी इंफॉर्मेशन के इंटरफेस पे, यहाँ पे स्किप करेंगे तो पीछे आ जाएंगे। पीछे आते ही हम लोग एक मेन इंटरफेस पे आ जाएंगे टैली के, जिसका नाम है गेटवे ऑफ टैली। इसमें देखिए मास्टर से एकदम ऊपर लिखा है, उसमें पहला ही आपका टॉपिक क्या लिखा है, हेडिंग अकाउंट्स इन्फो। ठीक है, अकाउंट्स इन्फो पे हम लोग या तो हाईलाइट कर लें, इंटर कर लें, या आपको दिख रहा होगा ए जो है वो रेड कलर से हाईलाइटेड है, तो आप ए प्रेस करके भी उसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग इसको ओपन करेंगे, उसमें आपको दो टॉपिक दिखेगा, दो हेडिंग सबसे ऊपर, वो है ग्रुप और लेजर। ठीक है, तो हम लोग ने यही बात की थी कि ग्रुप्स और लेजर क्या होते हैं। ठीक है, ग्रुप हमने बताया था कि कलेक्शन होता है, और लेजर क्या होता है, लेजर उसी ग्रुप के अंतर्गत जाता है। ठीक है दोस्तों, 15 प्राइमरी ग्रुप और 13 सब ग्रुप हैं, ये आपके टैली में बने रहते हैं ऑलरेडी, तो आपको इनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी ग्रुप बनाना है या इन ग्रुप को ऑल्टर करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ग्रुप में इंटर करेंगे। ग्रुप में इंटर करते ही आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। ठीक है, नीचे भी वही दिखेगा, क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर। सिंगल ग्रुप का मतलब होता है कि आप एक बार में एक ही ग्रुप बना सकते हैं या ऑल्टर कर सकते हैं। मल्टीपल ग्रुप में क्या होता है, एक साथ कई ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम डिस्प्ले में जाएंगे, क्रिएट का मतलब होता है नया ग्रुप बनाना, डिस्प्ले का मतलब होता है बने हुए ग्रुपों को देखना, और ऑल्टर का मतलब होता है बने हुए ग्रुप को एडिट करना। तो डिस्प्ले में जाएंगे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि पहले से ही 28 ग्रुप टैली में बने रहते हैं। तो जैसे ही इंटर करेंगे, देखिए हमारे ये पूरे ग्रुप बन के चले आए हैं, जो ऑलरेडी पहले से बने हुए हैं टैली में। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन ग्रुप में कोई भी चेंजेस नहीं करना होता है। चेंजेस कब करना होता है, जब वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे कोई लेनदार हैं, ठीक है, या देनदार हैं, तो डेटर क्रेडिटर होते हैं। मान लीजिए हमारी कंपनी काम कर रही है और हमारे चार ठो डेटर हैं। ठीक है, तो डेटर हमारे मान लीजिए दो ठो इलाहाबाद के हैं, दो ठो लखनऊ के हैं। अगर उन सबको हम इस हाईलाइटेड सन्ड्री डेटर के ग्रुप में डाल देंगे, तो हम जब सन्ड्री डेटर का ग्रुप ओपन करेंगे ना दोस्तों, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से डेटर इलाहाबाद के हैं, कौन से लखनऊ के हैं। तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, वो क्या है दोस्तों,
हम लोग क्रिएट में आएंगे। क्रिएट में आते ही हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे। ग्रुप क्या बना लेंगे, जैसे इलाहाबाद डेटर, ठीक है। जैसे ही इंटर करेंगे तो ये हमारे क्या हैं दोस्तों, सन्ड्री डेटर हैं, तो सन्ड्री डेटर कर लेंगे। और सन्ड्री डेटर करने के बाद इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद कुछ नहीं चेंजेस करना, इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, हमने आपको क्या बताया कि हमने एक ग्रुप बना लिया सन्ड्री डेटर, जो कि डेटर में डाल दिया, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे नीचे दिए गए लिंक पे जाके उस क्वेरी को पूछ सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। लाइक लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और थैंक यू वेरी मच। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हम लोग ग्रुप के अंतर्गत लेजर बनाते हैं और कैसे वो लेजर काम करता है, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।